अल रहमान स्कूल ने गुवंडी में ऑर्गेनाइज किया एनुअल डे प्रोग्राम। अल रहमान स्कूल ने थर्ड एनुअल डे ऑर्गेनाइज किया जिसमें काफी तादाद में लोगों ने शिरकत की। प्रोग्राम में काफी नामी लोगों ने शिरकत की थी जिसमें वार्ड 137 की नगर सेविका आयशा रफीक भी थी मौजूद। प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्ले किया गया जिसे देख भावुक होकर आयशा रफीक शेख रोने लगी थी। जो नगर सेवक है, आइए हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं। मैडम, आपको यहाँ पे गेस्ट के तौर पे बुलाया गया है अल रहमान इंग्लिश हाई स्कूल को, आप इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे और किस तरीके से आप उनको मुबारकबाद देना चाहेंगे? मैं जो यहाँ के प्रिंसिपल है और टीचर्स हैं उनको बहुत बड़ा थैंक्स कहना चाहती हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया और यहाँ पे अभी आके मैंने देखी बच्चों को इतने खूबसूरत कॉस्ट्यूम्स में, लड़कों हो या लड़की हो, बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिख रहे हैं और ये पेरेंट्स भी बहुत मेहनत करें, टीचर्स भी मेहनत करें, तो ये सब देख के मुझे इतना अच्छा लग रहा है, एकदम बहुत प्राउड फील हो रहा है कि मैं बच्चों के फंक्शन में आई देखने के लिए। तो मैं थैंक यू कहना चाहती हूँ स्कूल वालों को और टीचर्स को। मैडम, ये आपके वार्ड में ही ये स्कूल है, आप इसको किस तरीके से सपोर्ट करोगे इसके बारे में बताइए। ये मेरे वार्ड में स्कूल है और स्कूल में चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो इनके स्कूल में, चाहे पानी की हो या कोई परेशान कर रहा हो, कोई भी चीज़ की प्रॉब्लम हो तो हम लोग हमेशा इनके लिए खड़े हैं क्योंकि हमारे वार्ड के हैं तो ये हमारे ही हुए। मैडम, एक आखिरी सवाल, अभी मैंने देखा कि एक बच्चे नज़म पे एक परफॉर्म कर रहे थे, उस पर आप एकदम इमोशनल हो गए और आपकी आँखें नम हो गई, उसके बारे में बताएंगे आप? जी, मेरी मम्मी का अभी थोड़े दिन पहले ही हुआ है डेथ, इसके बाद मैं थोड़ा वो नज़म सुन के मेरे को थोड़ा मम्मी के बारे में याद आ गया। स्कूल के बारे में 2016 में हमने स्कूल ओपन किया है जी, चलते चलते काफ़ी कामयाबी मिली है जी, और आज हमने जो थर्ड एनुअल रखा है प्रोग्राम, ये स्कूल के बच्चों के लिए रखा था प्रोग्राम, काफ़ी अच्छा हुआ है। और बच्चे जो कंपटीशन में पार्टिसिपेट ले रहे हैं, अब उनको क्या चीज़, मतलब कौन सी चीज़ की प्रोवाइड कर रहे हैं प्रॉफिट, उसके बारे में बताएं। उनको हम लोगों ने जो है मेडल दिया है और ट्रॉफी वगैरह देंगे, सर्टिफिकेट दे रहे हैं और कुछ फूड भी है। सर, ये स्कूल कभी स्टार्ट किए हैं उसके बारे में बताइए और स्कूल की क्लासेस कहाँ से कहाँ तक अभी तक मतलब शुरुआत है उसके बारे में बताइए। स्कूल हमने 2016 में चालू किया है और अभी जो फर्स्ट टू फिफ्थ तक है, इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट ईयर 8th तक हो जाएगी और उसके बाद जो है 12th करेंगे इंशाल्लाह, कॉलेज का प्लान है। अच्छा सर, एक आखिरी सवाल, आपको ये फंड मतलब फंडिंग आपको मिल रही है कि आपके पर्सनली मतलब यूज़ करके पैसा स्कूल आप चला रहे हो या फीस पेरेंट्स की फ़ीस से आप चला रहे हो, इसके बारे में बताइए। तो हम फंड हमको कहीं से नहीं आता, हम अपना पर्सनल चलाते हैं, जो बच्चों की फीस आती है वो पूरी तो काफ़ी नहीं होती, अपने पास से लगाते हैं। जो फीस से अल रहमान इंग्लिश हाई स्कूल को मुबारकबाद दी जाऊँ उनकी, और स्कूल के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अल रहमान इंग्लिश स्कूल जो ये अमरान भाई ने चालू किया है वो एक अच्छा कदम है और ये ह्यूमन राइट सब्जेक्ट का एक अच्छा कदम है जो मानवीय अधिकारों के तहत शिक्षा का अधिकार आता है। बहुत कम लोग हैं जो इस तरफ ध्यान देते हैं लेकिन अबरार भाई ने इस तरफ ध्यान दिया, बहुत अच्छी चीज़ है और मैं मुबारकबाद देता हूँ उनके पूरे ट्रस्ट को और स्कूल के पूरे टीचरों को कि बच्चों को अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, अच्छी शिक्षा मिल रही है। और मैं ये साल ही नहीं, 2 साल से बराबर मैं रेगुलर आ रहा हूँ इनके प्रोग्राम में और काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है कि बच्चे काफ़ी होशियार हैं पढ़ने में और टीचर वगैरह भी इनकी अच्छी हैं, सब पढ़ाते बहुत दिल से हैं और अच्छा एक स्कूल चल रहा है। तो ऐसे स्कूल की तरफ मेरा ये कहने का मतलब है कि गोंडी की जो समाज है, गोंडी का जो रहवासी संघ है, तो यहाँ पर इस स्कूल से जुड़ने की कोशिश करें क्योंकि बच्चों को प्रोत्साहित करना भी एक बड़ी बात है, पढ़ाना एक बड़ी अलग बात है और पढ़ाते पढ़ाते उनका मनोबल बढ़ाना जो इन्हें सम्मान पत्र दिया जाता है और इन्हें टॉफी वगैरह दी जाती है, तो ये एक बहुत बड़ी बात है और मैं यही कहूँगा कि इस स्कूल से जुड़ने की कोशिश करें। ये थे हमारे साथ मोहम्मद यासीन शेख जी, ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स के वाइस प्रेसिडेंट।